गुड इवनिंग, जो मर्जी कह लो। अज मैं तुम एक नवी वीडियो बना के भेज रही हाँ, जिसका अध्याय या शीर्षक कह लो वावल्स। तो वावल्स में पंजाबी स्वर कहते हैं, जिमें इंग्लिश पांच वावल है ए ई आई ओ यू, उस तरह ही पंजाबी तीन वावल हैं ऊड़ा आड़ा ई स्वर। कहते स्वर वह धुनी है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरी धुनी की सहायता हो सके। देखो बेटा, जो कक्का है ना वो एक होर धुनी लैंदा, जी बोल के देखो कक्का दो कक्के लैणगे, पर जो ऊड़ा बोलिया दो ऊड़ा तो नहीं लेंदे, बिना किसी होर की धुनी के उच्चारण एक कला ही आपस में स्वर कहलाता है। ठीक है बेटा, पंजाबी 11 धुनियां हैं, 11 स्वर धुनियां हैं, 6 दीर्घ 11 स्वर हैं, 6 दीर्घ, दीर्घ का मतलब जेड़े बड़े हों, 5 लघु जेड़े छोटे, जेड़े दीर्घ हैं ये गुड़ी बिंदी भी अते गुड़ी डैश, यानी कि इन्हां नाल की लगती है तीन गुड़ियां बिंदियां तीन गुड़ियां डैश, पर लघु दे विच तीन फिक्कियां ते दो बिंदियां ते दो फिक्कियां डैशां क्योंकि ज़्यादा हो। कहिंदा उक्त स्वर स्थान चार्ट की सहायता नाल भावें पंजाबी भाषा के समुचे शब्द में शॉर्टहैंड विच लिखा जा सकता, पर आम देखण विच आउंदा है कि पंजाबी भाषा भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हुंदा है। समय के नाल अंग्रेजी भाषा के शब्द भाषा का अनिखड़वा अंग बन गए हैं। इन अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण लई दा बहुत घट प्रयोग विच, जिवें अंग्रेजी भाषा पंजाबी भाषा विच किवें अंग्रेजी भाषा यूज हुंदा। देखो बेटा, पेन नूं इंग्लिश च आपां बोलांगे पेन, ते पंजाबी विच भी पेन, यानी कि इंग्लिश दे वर्ड नूं असीं किहदे विच यूज कर रहे हां, पंजाबी विच। अंग्रेजी भाषा दे कुछ शब्द अजिहे हन जिन्हां नूं बोलण समय दुलावां नाल अद्धक जोड़नी पैंदी है, दुलावां नाल अद्धक आदिको जी, दुलावां नाल अद्धक, जिवें टैसट इंग्लिश टैसट, जिवें हैड, दुलावां नाल अद्धक। कहिंदा अजिहा ना करन दी सूरत विच इन्हां भाषां दे इन्हां शब्दां दा सही उच्चारण नहीं हो सकदा, अते ना ही उन्हां नूं फिर शॉर्टहैंड विच सही तरीके नाल लिखणा। मतलब जे आपां ने अद्धक ना पाई तो आपां इन्हां दा उच्चारण ठीक नहीं है, तो ना ही अपने शॉर्टहैंड आनी है। इसलिए अपने पहला इहदा खाखा याद करना, यानी कि नक्शा की हुंदा है, ये की हुंदा है स्वर चार्ट। ए फर्स्ट प्लेस बेटा, ए सेकंड यानी कि पहला स्थान, ए सेकंड, ए थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हूँ दीर्घ स्वर समझा रही हूँ, इस विच होंदे आ ए ई ओ ऊ। आ दा मतलब गुड़ी बिंदी, ए दा मतलब गुड़ी बिंदी, ई दा मतलब गुड़ी बिंदी, ओ दा मतलब गुड़ी डैश, ओ दा मतलब पता की होंदा, आड़े नू होड़ा, यानी कि आड़े नू होड़ा, इत्थे कनोड़ा है खोड़ा है, इत्थे गुड़ी डैश ते गुड़ी डैश, ऊ विच भी गुड़ी डैश, यानी कि दुलैंकड़ा विच भी गुड़ी डैश। लघु विच फिक्की बिंदी किहदे लई, ऐ लई, इहदे लई फिक्की बिंदी, इहदे लई फिक्की बिंदी, अ ते ऊ, फिक्की डैश। दीर्घ दा मतलब लघु, दीर्घ दा मतलब गुड़ियां चीज़ां, लघु दा मतलब फिक्कियां चीज़ां, बस फिक्कियां चीज़ां मतलब छोटी चीज़, फिक्की गुड़ी चीज़,
ਦਿਨ ਬਸ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਖਾਖਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੱਪਾ, ਇਹ ਬੱਬਾ, ਇਹ ਪੱਬਾ। ਪੱਪਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ, ਬੱਬਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ, ਪੱਬਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਗੂੜੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਨੂੰ, ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਖਾਕੇ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਗੂੜੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਪਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਲਗਾਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਟ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾ ਪਾਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਟ, ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰ ਪਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਣ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਹੈ ਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲੇਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਵੀ ਕੌਣ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਟਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨੱਚ ਆਨਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਆਨਚ ਨਾਚ ਆਦਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਆਫਟ ਫਾਟ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਫਕ ਫਾਕ ਆਫਕ ਫਾਕ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ,
सारे नूं पता है किहड़े किहड़े शब्द उपर जाते हैं। रारा जाता बेटा, देखो किहड़े उपर जाने वाले शब्द किहड़े हैं, रारा लल्ला वावा राड़ा। ए वर्ड की हैं यैया, ये वर्ड की हैं हाहा उपरमुखी, ये वर्ड उपर जाने वाले हैं। हूँ एक वड्डा ले लिया मैंने, आ नन्ना एक उपर जाने वाला ले लो, आनल एक वर्ड की हो गया, नाल आनल देखो किवें बेगा, आ मैं थोनू एवें नाल ए भी एवें क्योंकि मैं थोनू लल्ला हेठ मुखी नहीं दस्या है। आ आ नाल दोनों उपर लाइन तो, दोनों लाइन तो उपर एक छोटा एक उपर जान वाला जो वर्ड है आ कार, दूजा की है काल, आकल दूजा की है काल, दोनों लाइन तो उपर। हूँ इन्हों का उल्ट कर लो, एक उपर जान वाला, एक उपर जान वाला दूजा छोटा, दूजा वड्डा, आलक लॉक, आलक लॉक दोनों लाइन तो उपर। एक उपर जान वाला ते दूजा छोटा, आ ल ए तो छोटा, ये छोटा कर लो इत्थे, एक वड्डा आ ल च लाच। पहला आया पहला, बाद आया बाद, दोनों लाइन तो उपर, सारे लाइन तो उपर पै रहे हैं। सिर्फ आ चीज़ याद रखनी है कि जो दोनों शब्द वड्डे आ जाए, वड्डे जो दोनों शब्द वड्डे आ जाए कौन लाइन तो उपर पैना, कौन लाइन तो, बाकी सारे वर्ड तुम देखे होएगा उपर ही पै रहे हैं बट वड्डे आ जाए तो कौन लाइन तो उपर। सो अज मैं थोड़ा तो समझाया स्वर का आ पाठ, स्वर का आ पाठ, स्वर की होंगे है वह खाखा की है तो स्वर का आ पाठ। तो तुम पेज नंबर करना है 18 ते 19 रजिंदर सिंह सर की बुक देख सकते हो 18 ते 19, तो उस विच दा पहला पार्ट मैं समझाया आ। क्लीयर हो गया बेटा, अज मैं थोनू समझाया आ।